यहाँ पे आम खबर दे, रहनुमा पीटीआई असद उमर को इस्लामाबाद से गिरफ्तार कर लिया गया। एफआईए जराए के मुताबिक असद उमर को साइफर तहकीकात केस में गिरफ्तार किया गया है। जराए का बताना है कि इस्लामाबाद पुलिस और एफआईए साइफर तहकीकात में असद उमर से पूछताछ भी करेगी। असद उमर से अमरीकी सफीर से खुफिया मुलाकात की मालूमात हासिल की जाएंगी। साइफर तहकीकात में गुज़िश्ता रोज़ शाह महमूद कुरैशी को भी गिरफ्तार किया गया। इस हवाले से आपको आगाह करें कि एफआईए साइफर तहकीकात के हवाले से खोज लगाने में मसरूफ़ है। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं ज़मान मुग़ल से। जी ज़मान, कहिएगा, असद उमर की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। जी बिल्कुल, एक के बाद पीटीआई की क़यादत जो है दूसरे को गिरफ्तार किया जा रहा है, दूसरे के बाद तीसरे को गिरफ्तार किया जा रहा है। शाह महमूद के बाद अब असद उमर को जो है गिरफ्तार करने की इत्तला सामने आई है। पीटीआई जराए और पुलिस के जराए का ये कहना है कि असद उमर को भी साइफर तहकीकात के लिए गिरफ्तार किया गया है और उनसे भी साइफर के हवाले से मालूमात हासिल की जाएंगी। और जराए का कहना है कि जो अमरीकी सफीर से खुफिया मुलाकात हुई थी उस मुलाकात के हवाले से भी बातचीत जो है वो और बाजपुरस भी की जाएगी और उनसे साइफर के हवाले से तहकीकात की जाएंगी। जबकि गुज़श्ता रोज़ असद उमर से पहले जो है वो शाह महमूद कुरैशी की गिरफ्तारी अमल में आई थी, जबकि चेयरमैन पीटीआई जो पहले से गिरफ्तार हैं उनके ऊपर भी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जो एफआईआर दर्ज की गई है और उसमें उन पीटीआई की क्यादत से बाजपुरस की जाएगी। जी ठीक, बहुत शुक्रिया। ज़मान मुग़ल इस हवाले से आगाह कर रहे थे।